सोमवार को पांचपौली थाना अंतर्गत दिनदहाड़े एक युवती की चाकू घोंपकर हत्या करने का मामला सामने आया था। इस मामले में अब पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस द्वारा हत्या का कारण पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मृतक पिंकी वर्मा आरोपी सागर दिलीप उइके से पैसे मांगती थी और उसे मारने की धमकी भी दी थी, जिससे बौखलाए सागर ने सही मौका देखकर अपने साथी आरोपी अमन मेश्राम के साथ मिलकर पिंकी वर्मा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस द्वारा जानकारी मिली कि दोनों आरोपियों पर किसी भी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, मृतक आपराधिक प्रवृत्ति का है। इस संदर्भ में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की। कल तांडापेट में जो युवती की हत्या हुई थी उसमें आज दो संशयित आरोपी को अटक किया गया है, जिसका नाम सागर उइके और अमन मेश्राम है। इसमें जो कारण आरोपी द्वारा बताया जा रहा है वो ये है कि युवती उनसे पिछले कुछ दिनों से सागर से कुछ पैसे मांगती थी, 100 रुपये 200 रुपये ऐसे रेगुलरली मांगती रहती थी और उसको युवती ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके लिए उसने दूसरा आरोपी सह आरोपी को बुलाया और फिर दोनों ने मिलकर उसका मर्डर किया। जमीन का विवाद इसमें नहीं है और जुए का विवाद भी नहीं है इसमें। ये लोग अपने, ये जो युवती है उसके कुछ 7 से 8 मित्र हैं, ये लोग साथ में रह के थोड़ा सा इनकी धाक जमाते थे अपने एरिया में और सागर जो था वो इनसे थोड़ा डरता था, ये औरत होने की वजह से भी डरता था और ये उसको बीच बीच में चमकाती रहती थी और उससे कुछ ना कुछ पैसे मांगती रहती थी। कुछ उसका पैसा उधार रहता था वो वापस मांगती थी और कुछ अलग से भी मांगती थी। इससे परेशान होकर उसने बदला लेने के लिए घटना की है। अभी तक तो दो आरोपी अटक किए गए हैं, अभी उनसे पूछताछ किया जाएगा, PCR लिया जाएगा, उसके बाद अगर कोई और भी आरोपी निष्पन्न होते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सागर एक बैंड का काम करता था, अभी लॉकडाउन में तो कोई काम नहीं कर रहा था। पैसे ये उसका कुछ उधारी था पुराना, सागर का इसको देना था, वो वापस मांगती थी उधारी के ऊपर, कभी इंटरेस्ट मांग लेती थी तो ऐसे उससे धमकाती रहती थी। और ये केवल बात पैसे की नहीं है, उसको पैसे मांगने के चीज़ पर उसको कभी थप्पड़ लगा देती थी, कभी उसको अपने मोहल्ले से भगाती थी, ऐसे करके सागर इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड था। सर, आरोपी जो सागर उइके है उसका तो कोई, क्योंकि वो पांचपौली पोल्यूशन के अंतर्गत रहता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा आरोपी जो है अमन मेश्राम, उसका भी प्राथमिक कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन में उसको चेक कर रहे हैं, वो इमामवाड़े की हद्दी में रहता है। जो मृतक है उसका एक, उसके ऊपर एक गुना दाखिल है 2020 में, जो कि 294/506 का गुना दाखिल है, जिसमें उन्होंने किसी को एक जान से मारने की धमकी दी थी। ये मतलब उन पर माइनर गुने दाखिल हैं। बता दें कि सागर 3-स्टार बैंड कंपनी में काम करता था और अभी लॉकडाउन की वजह से खाली पीली था। दोनों आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज और माइकल के साथ तिशा हटवार, BC News नागपुर।